बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शाज़ी नूर हेयर फ्रॉम किंग वे ग्रुप ऑफ स्कूल्स। हाउ आर यू माय डियर स्टूडेंट्स? होप सो यू विल बी फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। माय डियर्स, यू हैव टेकन अ लेक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ आई। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर वी आर गोइंग टू मेक आवर क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ आई। एंड नाउ कम टू द टॉपिक ऑफ आई। आई फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द आई इज डिफाइन आई एंड इट्स पार्ट्स। ओके, व्हाट इज आई एंड डिफाइन इट्स पार्ट्स? एक्चुअली आई इज अ पार्ट विच वी कैन सी एंड इट्स कंसिस्टेड ऑन टू पार्ट्स विच इज एक्सटर्नल पार्ट एंड इंटरनल पार्ट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर वन इज define eye and its parts. Okay, we will write the sense organ that react to light and forms an image is called eye. यानी कि ये एक organ ऐसा है जब आँख के ऊपर light पड़ती है तो आँख में एक image बनता है, उसको आप eye कहते हैं। ठीक है, अब इसके parts कितने हैं? ये consisted है बेटा two parts के ऊपर, यानी कि इसके दो parts हैं। जैसे external part, external part वो part है जो कि हमें नज़र आता है। ठीक है, एक्सटर्नल कोई भी चीज़ एक्सटर्नल होती है, वो बैरूनी होती है, बाहर की चीज़ होती है, यानी कि वो हमें वाजह तौर पे नज़र आ सकती है। तो एक्सटर्नल पार्ट जो है, बाहर से नज़र आने वाली जो चीज़ है आपकी पार्ट है, वो आपका एक्सटर्नल पार्ट है। राइट द सब पार्ट्स ऑफ एक्सटर्नल पार्ट्स। ओके, एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ आई यानी कि एक्सटर्नल पार्ट है जो आई का, उसके सब पार्ट्स लिखें। उसके मज़ीद तीन पार्ट्स हैं बेटा, तो उनके बारे में आपने लिखना है, उनके नेम्स लिखने हैं। तो वो है सेक्लेरा, प्यूपल एंड आयरस। ये तीन नाम देंगे इस क्वेश्चन के लिए आप। ठीक है, अब इन क्वेश्चन इन टॉपिक्स के जो है वो क्वेश्चन बनाते हैं, इन पार्ट्स के क्वेश्चन बनाते हैं। सेक्लेरा के पार्ट, व्हाट इज सेक्लेरा? कि ये इट इज़ अ टफ वाइट, इट इज़ अ टफ वाइट शीट अराउंड द आउटसाइड ऑफ द आई बॉल। तो बेटा ये जो हिस्सा होता है आँख का, ये पहला हिस्सा, ये आपकी आँख का जो वाइट वाला हिस्सा होता है ना, ये उसको आप सेक्लेरा कहते हैं। ठीक है, जो कि कवर्ड होता है, एक पतली सी बारीक सी झिल्ली होती है, उससे वो कवर्ड होता है। ठीक, नेक्स्ट आइएगा, व्हाट इज़ प्यूपल? प्यूपल क्या होता है? इट अपीयर्स एज अ ब्लैक डॉट इन द मिडल ऑफ द आई। बेटा आपकी आँख के अंदर जो ब्लैक सा हिस्सा होता है ना, ये वाला जो होता है, ये आपका होता है प्यूपल। ठीक, तो यहीं पे जो है वो आपका इमेज बनता है। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा, डिफाइन आयरस। आयरस क्या है? ये कौन सा हिस्सा है? इट इज़ द एरिया ऑफ द आई दैट कंटेन्स कलरिंग मटेरियल विच गिव्स कलर टू आई। ठीक है, ये बेटा आई का हिस्सा होता है और ये जो चीज़ें कलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये हमें कलर परसेप्शन के लिए जो है वो हेल्प करता है। ठीक, और ये कलरिंग के ऊपर भी जो है वो बेस कर रहा होता है कि हम इसी से आयरस का हिस्सा बेटा ये जो ब्लैक भी हो सकता है, ये कलर ग्रीन भी हो सकता है, ये डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं, ब्राउन भी हो सकता है, लेकिन ये मिडल वाला जो हिस्सा होता है ना प्यूपल आपका, ये ब्लैक ही होता है सबका, लेकिन ये जो साइड वाला सर्कल होता है ना, इसका कलर डिफरेंट हो सकता है। ओके, नेक्स्ट आइएगा, इंटरनल पार्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि आई के दो पार्ट्स हैं, आपने लेक्चर में भी सुन लिया है, और जो इंटरनल पार्ट हैं, पहले तो बताएं कि ये इंटरनल पार्ट क्या होते हैं। ठीक, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ इंटरनल पार्ट? दिस पार्ट ऑफ आई इज़ मेड अप ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। इसके भी तीन पार्ट्स होते हैं, चार पार्ट्स होते हैं, और ये चार पार्ट से मिलकर ये जो है इंटरनल हिस्सा बनता है। इंटरनल हिस्सा बेटा वो होता है, ये हमें नज़र तो नहीं आता, लेकिन इसकी वजह से सब नज़र आता है। ठीक है, अच्छा अब इसका क्वेश्चन क्या बनेगा? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कॉर्निया? कॉर्निया का क्या फंक्शन है? इट इज़ द कवरिंग ऑफ इनर आई। ये इनर आई को कवर करता है। ठीक, यहाँ तक आप इसकी शॉर्ट शॉर्ट सी आपने थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन देनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, इट प्रोटेक्ट्स आई फ्रॉम द एलिमेंट्स विच मे कॉज डैमेज टू इनर पार्ट। यानी कि ये हेल्प करता है, या ये प्रोटेक्ट करता है आँख को, कोई भी ऐसी चीज़ आँख के अंदर ना जाए जो कि आँख के लिए किसी डैमेज यानी कि कोई मसले का सबब बन सकती है, कोई ख़राबी का सबब बन सकती है। अब कोराइड क्या है? इट इज़ द लेयर ऑफ ह्यूमन आई दैट लाइज अबव द रेटिना विच प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू द पार्ट्स ऑफ आई। ठीक, इसका क्वेश्चन आप इसका आप नेम बता सकते हैं, क्वेश्चन की नीड नहीं है। रेटिना, व्हाट इज़ रेटिना? इट इज़ द इंटरमोस्ट लेयर।
इनर मोस्ट लेयर यानी कि अंदरूनी तह है ये ह्यूमन आई की, दैट कंटेन्स नर्व्स, और ये नर्व्स के ऊपर मुहित होती है, यानी कि इसके अंदर नर्व्स होती हैं। ये नर्व्स जो हैं ये मैसेज कन्वे करती हैं ब्रेन को, जो भी चीज़ आँख देखती है ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये ब्रेन को पास करती हैं। ओके, डिफाइन लेंस, इट इज़ प्रेजेंट टू हेल्प इन व्यूइंग द ऑब्जेक्ट्स, चीज़ों को देखने के लिए जो चीज़ हमें हेल्प करती है वो होती है लेंस। ओके बेटा, यहाँ तक आपका लेक्चर जो है वो पूरा हुआ, आपने इसका लेक्चर भी ले लिया, इसके क्वेश्चन भी आपके सामने बन गए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।